दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं, प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खुलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि हरियाणा के अंदर एक महीने के अंदर जो मार्च का महीना आज पूरा हो रहा है, इस मार्च के महीने में कई परिवर्तन हुए हैं। आप मसलन मान लीजिए कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं, हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, हरियाणा के अंदर अनिल विज जो सूबे के गृह मंत्री थे उनकी छुट्टी हो चुकी है, हरियाणा के अंदर कई और बड़े बदलाव हो चुके हैं, सुभाष बराला राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में आकर के और कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट हो चुके हैं। कई सारे ऐसे बड़े परिवर्तन हैं जो मार्च महीने के हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि चुनाव के लिए प्रत्याशी तय हो गए हैं, दूल्हे सज चुके हैं, बारात निकलने की तैयारी है। मान लीजिए कि 25 मई को बारात जो है जन्माशय में पहुंच जाएगी, जो हमारी लोकल भाषा है। जन्माशय का मतलब होता है कि जहां शादी होती है वहां बारात जाया करती है और बारात की शादी की तिथि तय होती है। मान लीजिए कि बारात तय है, बाराती तय है, दूल्हा तय है और तारीख तय है 25 मई की, जिस दिन मतदान होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उदासीनता कुछ कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं दूरी बना रहे हैं प्रत्याशियों से, कहीं दूरी बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, वो कुछ कह रही है। आप इसे कुछ यूं मान करके चल सकते हैं कि सूबे के गृह मंत्री थे अनिल विज, गब्बर के नाम से मशहूर हैं, हालांकि एक बार कह चुके हैं कि गब्बर सिंह नाम किसने दे दिया मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि गब्बर के नाम से खुश बहुत होते हैं अनिल विज। अब वो कह रहे थे कि मुझे गब्बर किसने नाम दिया, पर जो मेरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, चलो गब्बर है नहीं है, किसने नाम दिया नहीं दिया, अनिल विज ही कह लेते हैं हम तो। विज साहब अम्बाला में नाराज हैं, दिखाने के लिए तो नायब सिंह सैनी उनके घर पे दरबार में होके आ गए, मनोहर लाल उनके घर पे होकर के आ गए, नड्डा साहब की धर्मपत्नी भी उनके घर एक बार गई थी, लेकिन जब से वो हरियाणा की सरकार से अलग हुए हैं तब से उनके जो सुर कुछ बदले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता हैं, हर मीटिंग अटेंड किया करते थे, लेकिन चुनाव को लेकर के जो भाजपा के हरियाणा के चुनाव प्रभारी बने हैं सतीश पूनिया, उनकी बैठकें दो हो चुकी हैं। पंचकुला में उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में अनिल विज नहीं थे। गुरुग्राम के अंदर एक बड़ी बैठक उन्होंने की चुनाव को लेकर, उसमें अनिल विज मौजूद नहीं थे। अंबाला की जो कैंडिडेट हैं बंतो कटारिया, वो जहां जहां जो जो उनके प्रोग्राम हो रहे हैं एक आधा फोटो में कहीं साथ दिख गए विज साहब, नहीं तो दूरी बनाए हुए हैं। अंबाला लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अंबाला लोकसभा एक ऐसी सीट है कि जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जनसंघ से लेकर के और बीजेपी, इन सबका वहां पर असर रहा है। बीजेपी के लोग बड़े वहां चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन बंतो कटारिया जी को चुनाव का टिकट मिल चुका है, पर कई बड़े भाजपा नेताओं की दूरी है और उनमें सबसे प्रमुख है अनिल विज, अंबाला में कार्यक्रमों में हिस्सा ले नहीं रहे। और जब अनिल विज हिस्सा नहीं ले रहे, अनिल विज जैसा नेता अगर दूरी बना लेगा तो फिर बड़ी दिक्कत बन जाएगी। अंबाला जो कैंट सीट है विधानसभा की सीट गब्बर की अनिल विज की, वो अंबाला लोकसभा का हिस्सा है। अगर हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो रंजीत सिंह चौटाला को हिसार का लोकसभा का टिकट मिला है। हिसार लोकसभा से रंजीत सिंह चौटाला कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन दो बार नायब सिंह सैनी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं दो बार होके आ चुके हैं हिसार में। वो रंजीत चौटाला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया, नवीन जिंदल की माताजी हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल को ज्वाइन कराने गए तब भी गए थे, लेकिन ना वहाँ कैप्टन अभिमन्यु थे ना वहाँ कुलदीप बिश्नोई थे, और भी कई सारे नाम हैं, यानी कि कुलदीप बिश्नोई भी नाराज हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी नाराज हैं। भले ही प्रभारी तो बना दिया उनको असम का, असम में तो पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन हिसार में तो नाराज दिख रहे हैं वो। कैप्टन अभिमन्यु के बारे में आप ये मान लीजिए कि वो बड़े उत्सुक थे, बड़ी इच्छा थी उनकी लोकसभा टिकट के लिए।
पर बताते हैं कि गुरु चेले की जोड़ी ने निपटा दिया कैप्टन साहब को, और अब कैप्टन साहब निपटाने के मूड में होंगे शायद, इसीलिए कहीं जा नहीं रहे। अगर कैप्टन अभिमन्यु नाराज हैं, कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, बड़े चेहरे हैं दोनों, तो फिर रंजीत चौटाला की गाड़ी कहां पार उतरेगी? चलो गोपाल कांडा की तो अपनी पार्टी है, लेकिन गोविंद कांडा तो बीजेपी में है, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे कहीं। ये हाल हिसार लोकसभा का है। सिरसा लोकसभा के लिए अशोक तंवर साहब को टिकट मिल गया है, लेकिन कसक तो सुनीता दुग्गल के दिल में चल रही होगी कि सुनीता दुग्गल जिनका टिकट कट गया, उनके मन में कहीं टीस जरूर होगी, और उनके कार्यकर्ता भी दूरी बनाए हुए हैं अशोक तंवर साहब से। इसके साथ मान लें कि रोहतक लोकसभा पर बड़ी कशमकश के बाद में कभी वहां बाबा बालक राम नाथ का नाम चलता था, कभी रणदीप हुड्डा का नाम चलता था, कभी ओपी धनखड़ का नाम आता था, लेकिन अंतोगत्वा टिकट मिल गया डॉक्टर अरविंद शर्मा को। डॉक्टर अरविंद शर्मा धीरे धीरे अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, और अगर वहां पर रोहतक में देखें तो भाजपा के कई बड़े नेता कार्यकर्ता नदारद हैं। अगर ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली में ही लगे रह गए तो फिर उनका काम कौन संभालेगा, क्योंकि धनखड़ साहब का जिला तो लोकसभा तो उनकी मूलतः रोहतक ही आती है। जो उनका विधानसभा क्षेत्र है ओम प्रकाश धनखड़ साहब का, वो रोहतक लोकसभा में ही आता है। कैप्टन अभिमन्यु खुद भी रोहतक के अंदर रहे हैं, रोहतक का लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, वो भी अब हिसार को भी नाराज कर दिया, रोहतक को भी नाराज कर दिया। हालांकि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि जहां पर साथ दिखते हैं कार्यकर्ता। मैं आपको फरीदाबाद का उदाहरण ही अगर दे दूं तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जो हमारी बातचीत भी हुई या उनके जो बातचीत के संकेत सामने आए, वो पर्दे के पीछे कुछ और हैं और पर्दे के आगे कुछ और हैं। उनके अंदर विधायक भी हैं, उनके अंदर पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जो पर्दे के पीछे कुछ और बोलते हैं, सामने आकर 10 लाख पार की बात कर रहे हैं, पीछे जा करके उनकी बातें जो सुर और बोल बदले हुए हैं। गुरुग्राम लोकसभा को ले लीजिए, गुरुग्राम लोकसभा की स्थिति, हालांकि मैं आपको फरीदाबाद का बता दूं कि कृष्णपाल गुर्जर जी कहते हैं कि उनको कोई जो ये प्रत्यक्ष बातचीत नहीं है, जो पर्दे के पीछे बातें होती है, वो भी कहते हैं कि मुझे भी पता है कि कौन कौन नेता कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, लेकिन जनता साथ है और चुनाव वाकई जनता लड़ा करती है। लेकिन अगर नेताओं की नाराजगी होगी तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी तो बनेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। जहां एक तरफ कहा जाता है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी में भी यही कुछ होगा तो फिर आप मान के चलिए कि लाजमी है चुनाव परिणाम में कोई दिक्कत भी आ सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने गब्बर हैं, कितने कुलदीप बिश्नोई हैं, कितने कैप्टन अभिमन्यु हैं, कितने राव नरवीर हैं, कितने और ऐसे नेता हैं जो नाराजगी से भरे हुए चल रहे हैं और वो चुनाव परिणाम और चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ नया गुल खिला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की नाराजगी है भाजपा के प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या टिकट वितरण को लेकर के जिस प्रकार से अब की बार 6 पुराने कांग्रेसियों को टिकट मिला है, कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं कोई असंतोष तो नहीं है, और कहीं ये असंतोष की भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कोई परेशानी का सबब तो नहीं बन सकती? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।